हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस लेक्चर में, जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं एमएस वर्ड में कि केस कमांड हम कैसे यूज कर सकते हैं। एक हमारा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि केस कमांड हम कैसे यूज कर सकते हैं और केस कमांड होते क्या हैं। चलिए सीखते हैं आज केस कमांड के बारे में कि होते क्या है और कैसे हम इनका यूज करते हैं और किस लिए यूज किया जाता है। हमने इसके पहले आपको बताया था कि जैसे कोई टेक्स्ट को हाईलाइट कैसे करते हैं, या किसी पैराग्राफ पे बुलेट्स एंड नंबरिंग का यूज कैसे करते हैं, और किसी टेक्स्ट के जैसे कलर को चेंज करना हो कैसे करेंगे। हमने इसके पहले और बहुत सारी चीजें आपको बता रखी हैं एमएस वर्ड में। अगर आपने हमारी वो वीडियोज नहीं देखे तो वो वीडियोज आके जरूर देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए। चलिए सीखते हैं कि किस कमांड को हम कैसे यूज कर सकते हैं एमएस वर्ड में। आज की हमारी हेडिंग है यूजिंग चेंज केस कमांड। ये केस कमांड होते क्या है और कहां पे हमें मिलेंगे, कैसे हम चेंज कर सकते हैं। देखिए, एमएस वर्ड किसी भी टेक्स्ट को कैपिटल लेटर से स्मॉल लेटर तथा स्मॉल लेटर से कैपिटल लेटर में बदलने की सुविधा प्रदान करता है। यहां पे बताया जा रहा कि एमएस वर्ड किसी भी टेक्स्ट को कैपिटल लेटर से स्मॉल लेटर तथा स्मॉल लेटर से कैपिटल लेटर में बदलने की सुविधा प्रदान करता है। इस कार्य को करने के लिए लिखे हुए टेक्स्ट को सेलेक्ट करें, फिर होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में से केस बटन पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद निम्न ऑप्शंस ओपन होंगे। अब देखिए क्या बताया जा रहा कि एमएस वर्ड किसी भी टेक्स्ट को कैपिटल लेटर से स्मॉल लेटर तथा स्मॉल लेटर से कैपिटल लेटर में बदलने की सुविधा देता है। इस कार्य को करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो हमारा टेक्स्ट है जिसे हमें चेंज करना है उसे हमें सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद होम टैब के फॉन्ट ग्रुप, हमने आपको बताया था होम टैब क्या होते हैं और हमारे ग्रुप्स क्या होते हैं। अगर आपने उनके बारे में नहीं पढ़ा तो हमारे उन लेक्चर को जरूर देखिए जिसमें हमने आपको बताया था। तो कहां पे जाना है हमें, होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में से चेंज केस कमांड बटन पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद क्या होंगे, निम्न ऑप्शंस ओपन होंगे। अब कौन कौन से ऑप्शन ओपन होंगे, सबसे पहला क्या है, सेंटेंस केस। एक केस हमारा है जो कि सेंटेंस केस है। दूसरा केस कौन सा है, दूसरा केस हमारा लोअर केस। तीसरा केस हमारा अपर केस। चौथा है हमारा कैपिटलाइज ईच वर्ड। और पांचवा नंबर है हमारा टूगल केस। ये हमारे पांच प्रकार के केसेस होते हैं एमएस वर्ड में, हम इनका यूज कर सकते हैं बड़े ही आसान तरीके से। चलिए कैसे करते हैं हम आपको प्रैक्टिकली भी बताएंगे कैसे कर सकते हैं। जैसे आप यहां पे देख रहे हैं सेंटेंस केस में क्या होता है, आप देख रहे हैं कि एक वर्ड हमारा ये केस और एक है सेंटेंस, दो वर्ड है इसमें। अब इस केस में होता क्या है, ये पूरे पैराग्राफ का, जैसे हमारा पैराग्राफ होता है, पूरे पैराग्राफ का पहला लेटर क्या करता है, ये कैपिटल कर देता है। पूरे पैराग्राफ के पहले वर्ड का पहला ले अक्षर लेटर क्या करता है, कैपिटल लेटर। जैसे आप देख सकते हैं कि यहां पे दो वर्ड है, एक है केस एक है सेंटेंस, तो एस किसका कैपिटल है, सेंटेंस का एस है ना, लेकिन सी इसका तो स्मॉल लेटर है, तो ये क्या होता है हमारा सेंटेंस केस होता है, हम इसे कहते हैं सेंटेंस केस। नेक्स्ट हमारा लोअर केस। लोअर केस में क्या होता है, जो हमारे अक्षर होते हैं, जो हमारे लेटर्स होते हैं, ये सभी लेटर्स किस केस में आ जाते हैं, स्मॉल लेटर में। इस केस को हम कहते हैं लोअर केस। जब कभी हमें जो हमारे लेटर्स हैं वो स्मॉल लेटर में लिखे हुए मिलते हैं इंग्लिश के अक्षर, तो हम उसे कहते हैं ये लोअर केस है। नेक्स्ट हमारा अपर केस होता है। अपर केस में क्या होता है, अपर केस में होता है जो हमारे लेटर्स होते हैं ये पूरे क्या हो जाते हैं, पूरे कैपिटल लेटर हो जाते हैं। जैसे हमारा लोअर केस है, लोअर केस में स्मॉल लेटर हो जाते हैं, तो इसका अपोजिट हमारा अपर केस है। अपर केस में क्या होते हैं, इसके जितने भी लेटर्स होते हैं क्या होता है, पूरे कैपिटल लेटर हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे कैपिटलाइज ईच वर्ड होता है, कैपिटलाइज ईच वर्ड, लेकिन हम इसे इसका एक दूसरा भी नाम होता है जिसे हम कहते हैं टाइटल केस। क्या, टाइटल केस, यह हमें यहां पे नहीं देखने को मिल रहा, यह हमारा टाइटल केस भी होता है। चलिए अभी हम समझते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड, जो काम हमारा कैपिटलाइज ईच वर्ड का होता है वही हमारा टाइटल केस का भी होता है।
देखिए कैपिटलाइज ईच वर्ड में क्या होता है, जो हमारा पैराग्राफ होता है पूरे पैराग्राफ का प्रत्येक वर्ड, पूरे पैराग्राफ के प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर क्या होता है, कैपिटल लेटर होता है, बाकी सब स्मॉल लेटर होता है। कौन से केस में होता है, कैपिटलाइज ईच वर्ड में। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास तीन लेटर्स हैं और तीन वर्ड्स हैं, फर्स्ट कैपिटलाइज, दूसरा ईच और तीसरा वर्ड। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि तीनों वर्ड के पहले लेटर क्या है, कैपिटल लेटर है। कैपिटलाइज का सी है और ईच का ई है, वर्ड का डब्ल्यू है। तो ये हमारा कौन सा केस होता है, कैपिटलाइज ईच वर्ड। नेक्स्ट और लास्ट हमारा होता है टुगल केस। टुगल केस होता है हमारा कि जैसे हमारा कैपिटलाइज ईच वर्ड होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है हमारा टुगल केस। कैपिटलाइज ईच वर्ड में क्या होता है, पूरे पैराग्राफ का प्रत्येक वर्ड के पहले अक्षर कैपिटल लेटर होता है, बाकी सब स्मॉल लेटर होता है। तो टुगल केस में क्या होता है, पूरे पैराग्राफ के प्रत्येक वर्ड के पहले लेटर क्या होते हैं, पहला लेटर स्मॉल लेटर होता है, बाकी सब कैपिटल लेटर होते हैं। ये होता हमारा टुगल केस। चलिए आइए हम आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं कि कैसे होता है या नहीं, कि हम झूठ भी बोल रहे हैं। चलिए हमें क्या करना है, बस वर्ड ओपन करना है स्टार्ट बटन पे, उसके बाद यहाँ पे सर्च करेंगे वर्ड। ये हमारा वर्ड आ चुका है, हमने किया ओपन, ये हो चुका है हमारा ओपन। अब क्या करना है, उसके बाद जैसे हम कोई यहाँ पे टेक्स्ट लाते हैं, जैसे हम रैंडम टेक्स्ट लाते हैं, इक्वल आर ए एन डी रैंडम, ब्रैकेट किया, टू टाइम चाहिए हम टू टाइम ले आए। उसके बाद क्या करना है, हमें इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेनी है, ऑल सेलेक्ट, उसके बाद फॉन्ट साइज इंक्रीज करेंगे, फॉन्ट फैमिली चेंज करेंगे, इसकी फॉन्ट फैमिली चेंज कर दी। उसके बाद अलाइनमेंट, हमने आप सभी को ये जितना चीज हम कर रहे हैं हमने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप करके पढ़ाया है। अगर आपने हमारे उन लेक्चरों का भी नहीं देखा तो जरूर देख लीजिए। चलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारा ये जो टेक्स्ट है, ये जैसे यहां से यहां तक का हमारा एक पैराग्राफ है, ये अभी हमारा किस केस में है, चलिए यहां तक का छोड़ दीजिए। जैसे हम यहां से ले रहे हैं ऑन, ये हमारा एक यहां तक का पूरा पैराग्राफ है। ये पूरा पैराग्राफ ये हमारा किस केस में, अभी आप देख के बता सकते हैं, ये हमारा है सेंटेंस केस में। हमने कैसे पहचाने के सेंटेंस केस में, है ना। चलिए अब हमने कैसे पहचाना, यहां पे आप देख रहे हैं कि प्रत्येक जो वर्ड है, हमारा सेंटेंस केस में होता क्या है, सेंटेंस केस में होता यह है कि जो हमारा पूरा पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ का पहला वर्ड का पहला लेटर क्या होता है, कैपिटल लेटर होता है, बाकी सब स्मॉल लेटर होते हैं। आप जैसे देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट का हमारा डी स्मॉल है, योर का यू स्मॉल है, लुक का एल स्मॉल है, और हमारे सारे अक्षर क्या है, स्मॉल लेटर। लेकिन सबसे पहला जो हमारा वर्ड है, सबसे पहला वर्ड ऑन, ऑन का क्या है, ओ कैपिटल लेटर है। तो हम कैसे पता करें इसको कि कौन सा केस है, पता कर सकते हैं आसानी से, है ना। ये हमारा है सेंटेंस केस। अब जैसे इसका केस हमें चेंज करना हो तो क्या करेंगे, चलिए हम पूरे को सेलेक्ट करते हैं, फिर इसका केस चेंज करते हैं। अब केस कमांड बटन हमारी कहां पे होते हैं, हमें तो ये बताया ही नहीं गया। चलिए आगे पढ़ते क्या है, कुछ इस प्रकार की लिस्ट प्रदर्शित होगी, इस लिस्ट में से इच्छा अनुसार केस कमांड का चयन करके अपने टेक्स्ट का केस बदल सकते हैं। अब ये बटन हमें मिलेगी कहाँ, चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारा होम टैब है, ये होम टैब में ये फॉन्ट ग्रुप है, फॉन्ट ग्रुप में हमें ये मिल रहा, जहां से हम जैसे किसी टेक्स्ट का हमें साइज इंक्रीज करना होता है, डिक्रीज करना होता है, उसके साइड में जो ऑप्शन होता है जहां पे एक कैपिटल ए और एक साथ में स्मॉल ए दिया होता है, उसको कहते हैं केस कमांड बटन। हमें क्या करना है, वहां पे पहुंच जाना। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये होती है हमारी केस कमांड बटन, चेंज केस दिया है, हमें क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। अब जैसे आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे पांच ही केस हमारे दिए हुए हैं, जैसे सेंटेंस के, सेंटेंस केस हम लगा रहे हैं, सेंटेंस केस में तो है ये पहले से, है ना, लग गया। अब जैसे लोअर केस का यूज कर रहे हैं तो लोअर केस में क्या होगा, देख सकते हैं कि अब ये जो आन का वो कैपिटल था वो भी स्मॉल हो गया, हो गया, बाकी सब स्मॉल लेटर आपको दिख रहे हैं। क्या करना है, चलिए हम दूसरा केस यूज करते हैं, जैसे अपर केस, अपर केस हमने यूज कर दिया, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सारे लेटर्स हमारे क्या हो गए, कैपिटल लेटर में चेंज हो गए। क्या करना है, दूसरा केस यूज करते हैं, दूसरा केस हमारा कैपिटलाइज ईच वर्ड है। जैसे हमने कैपिटलाइज ईच वर्ड किया, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो भी हमारे प्रत्येक वर्ड पूरे पैराग्राफ के
प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर क्या है? हमारा कैपिटल लेटर है, बाकी सब स्मॉल लेटर है। आपको दिख भी रहा है। चलिए फिर से हम दूसरा ला एंड लास्ट केस यूज करते हैं। लास्ट केस हमारा टूगल केस, हमने यूज कर दिया टूगल केस। यहां पे आप देख रहे हैं कि प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर क्या हो गया? स्मॉल लेटर, बाकी सब कैपिटल लेटर है ना। ये हमारे पांचों केस सही से काम कर रहे हैं। आई होप आपको केस के बारे में भी अच्छे से समझ में आया होगा। आप जरूर इसकी प्रैक्टिस करना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक में, जब तक के लिए बाय।